आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। संकेत महादेव सरगर ने पुरुष वेटलिफ्टिंग के 55 किलो भार वर्ग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। संकेत सरगर ने स्ट्रेच और क्लीन एंड जर्क को मिलाकर कुल 248 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पहले राउंड यानी स्क्रैच में बेस्ट 113 किलोग्राम भार उठाया था। इसके बाद दूसरे राउंड यानी क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाकर मेडल अपने नाम किया। महाराष्ट्र के संगाली के रहने वाले संकेत का वेटलिफ्टिंग से गहरा लगाव रहा है। 21 साल के संकेत कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में इतिहास के छात्र हैं। वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भी चैंपियन रहे थे। संकेत 55 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी रखते हैं। संकेत के पिता की सांगली के में पान की दुकान है। वो अपने पिता को अब आराम करते हुए देखना चाहते हैं। संकेत ने हाल ही में कहा, अगर मैं गोल्ड जीत लेता हूं तो अपने पिता की मदद करूंगा। उन्होंने मेरे लिए काफी मेहनत की है, मैं उन्हें अब खुशियां देना चाहता हूँ। संकेत का टारगेट पेरिस ओलंपिक के में स्वर्ण जीतना है। संकेत ने पिछले साल पटियाला में हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान दर्ज किया। साथ ही संकेत महादेव सागर ताशकंद में आयोजित 2021 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे थे। इसके जरिए सरगर ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया है। पोडियम पर टॉप रहने के साथ संकेत महादेव ने 113 किलोग्राम भार उठाकर स्क्रैच में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। संकेत कॉमनवेल्थ 2022 में भाग ले रहे सबसे युवा भारतीय भारोत्तोलकों में से एक हैं। पिछली बार गोल्ड कोस्ट में एक राष्ट्रमंडल खेलों में सतीश शिवलिंग और आर वेंकट राहुल ने स्वर्ण पदक जीता था। संकेत से भी पदक की उम्मीद थी, लेकिन वो चोटिल होने के चलते आखिरी राउंड में सही से भार लिफ्ट नहीं कर सके। भारोत्तोलन को 1950 में पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया था। भारत को अब की इस खेल में काफी मेडल मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। यह समय उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट्स शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायलेंस जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। आगे कहा गया है कि आगे पीएम मोदी ने कहा कि एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो, उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो, रूल्स और रेमेडीज की जानकारी हो, इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पिछले काफी दिनों से शांत पड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवंत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद यहां उनका विरोध होना शुरू हो गया है। इस पर उनकी सफाई भी सामने आई है। पहले आप उनका वो बयान सुनिए जिसकी वजह से फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ, महाराष्ट्र में
कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। आपको बता दें कि अपने बयान के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई देते हुए कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का गौरव है, ये देश की आर्थिक राजनीति भी है। मुझे गर्व है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। इस वजह से मैंने बहुत ही कम समय में मराठी भाषा सीखने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा पेशे में किए गए योगदान पर बात की। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं। वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में और पूरी दुनिया में मराठी का झंडा बड़े पैमाने पर लहरा रहे हैं। इसीलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही नहीं उठता। भगवंत सिंह ने आगे कहा कि हमेशा की तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महाराष्ट्र के निर्माण में मराठी लोगों की मेहनत का सबसे ज्यादा योगदान है। हाल ही में राजनीतिक चश्मे के माध्यम से सब कुछ देखने की दृष्टि विकसित हुई है, हमें उसे बदलना होगा। एक समुदाय की सराहना करना दूसरे समुदाय का अपमान नहीं है। राजनीतिक दलों को इस पर अकारण विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। कम से कम मेरे द्वारा मराठी लोगों का कभी अपमान नहीं किया जाएगा। राज्यपाल कोश्यारी ने आगे कहा कि विभिन्न जातियों और समुदाय में से बनी इस मराठी भूमि की प्रगति और विकास में सभी का योगदान है और मराठी लोगों का योगदान अधिक है। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को राज्य से हटा दिया जाता है तो राज्य के पास पैसा नहीं होगा। इस मामले पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा है कि हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और मुंबई मराठी लोगों की मेहनत पसीने और शहादत के साथ खड़े हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास यही बताता है। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में नई आबकारी नीति वापस लेने के पीछे दिल्ली सरकार ने तर्क दिए हैं। सरकार ने बताया है कि नई नीति को क्यों वापस लिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अफसरों और दुकानदारों को ईडी और सीबीआई की धमकियां मिल रही हैं। इसकी वजह से कई दुकान वाले दुकानें छोड़कर चले गए। ईडी और सीबीआई की धमकी देकर सारे अफसरों को भी डराया जा रहा है। कोई अधिकारी खाली हो रही दुकानों को दोबारा नीलामी करने को तैयार नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि गुजरात की तरह दिल्ली में भी बीजेपी नकली शराब बेचना चाहती है, इसीलिए दिल्ली में अब सरकारी दुकानों से शराब बेचने का फैसला लिया गया है। बता दें कि नई शराब नीति पर दिल्ली सरकार ने यूटर्न ले लिया है। दिल्ली में अब 1 अगस्त से फिर से पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच के बाद पुरानी आबकारी नीति को फिर से बहाल करने का फैसला लिया गया है। इस नीति को लेकर काफी विवाद हो रहा है। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर के माध्यम से शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। नई नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। दुकानें बाजार मूल्य के हिसाब से शराब की कीमतें तय कर रही थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार की कमाई बढ़ेगी। नई नीति को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर थी। बीजेपी ने इसे लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अली अहमद ने प्रयागराज के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। अली अहमद पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को अतीक के रिश्तेदार जीशान ने 5 करोड़ की रंगदारी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अली के खिलाफ जिले की करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था।
अली की तलाश में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स लगी हुई थी। कुछ दिन पहले उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने कोलकाता में भी छापेमारी की थी। उस दौरान वो अली अहमद अपने फ्लैट से फरार हो गया था। बता दें कि अली अहमद ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसकी याचिका हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अली अहमद के कोर्ट में सरेंडर करने पर पुलिस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में हुई जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के विधानसभा क्षेत्र में हुए इस कांड में शराब बाहुबली के भांजे रंगेश के ठेके से जरूर बेची गई थी, लेकिन इस कांड का असली खिलाड़ी खुद रमाकांत यादव है। उसी के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा था। पुलिस ने विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर रमाकांत यादव का नाम मुकदमे में शामिल किया है। अब पुलिस रमाकांत यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। अब इस मामले में कुल 14 आरोपी बन चुके हैं। इसमें 3 पर गैंगस्टर, 3 पर एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ गैंगस्टर की संतुष्टि डीएम ने दे दी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 21 फरवरी 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल नगर पंचायत में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव की सरकारी देशी शराब के ठेके पर जहरीली शराब बेची गई थी, जिसके सेवन के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। इस जहरीली शराब कांड में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी तो कईयों के आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं दर्जनों को कई अन्य तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी। घटना के अगले ही दिन माहौल से कुछ ही दूर पर 3 आलिशान मकानों में दवा लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया था, जहां से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अहरौला थाने में रंगेश यादव समेत 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रंगेश यादव और 2 सगे भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस यही नहीं रुकी, बल्कि गैंगस्टर के तहत आरोपियों की संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पिछले दिनों 3 अभियुक्तों मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम और शहाबाज के खिलाफ रासुका लगाई गई थी। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस मामले की विवेचना अभी भी जारी है। अब इस पूरे खेल में बाहुबली रमाकांत यादव की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। इसके बाद रमाकांत का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। रमाकांत यादव से पूछताछ के लिए अब पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। बात करते हैं अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के शनिवार को दोपहर वहां पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिसके चलते 7 बच्चे उस मलबे में दब गए। हुसैनपुर शहजादपुर गांव में हुए इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 5 बच्चे अभी घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जिले के दादो थाना इलाके के हुसैनपुर शहजादपुर गांव में अतर सिंह पुत्र सोरन सिंह के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। गांव के ही 10 से 12 साल के बच्चे दोपहर 3 बजे के नजदीक गांव के निनामई से प्राइवेट स्कूल से पढ़कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी। गांव में पहुंचने पर 7 बच्चे उसी निर्माणाधीन मकान की दीवार के नजदीक से होकर गुजरने लगे थे। इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई और 7 बच्चे दीवार के मलबे में दब गए। दीवार गिरने की जोरदार आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकालने में जुट गए। घटना से गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना पर दादो थाना अध्यक्ष रवि चंद्रावल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी होने पर SDM अतरौली रविशंकर सिंह और CO बरला भी शिव प्रताप सिंह भी घटना स्थल पर मौजूद हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने JCB मंगवाकर ग्रामीण और पुलिस फोर्स की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकलवाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया और अन्य सभी घायल बच्चों का उपचार किया जा रहा है। SDM रविशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन और शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गई है। आपको बताया जा रहा है कि इसी शुरुआत पार्टी 9 अगस्त से करने जा रही है। इस दिन देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पार्टी पदयात्रा निकाली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव ने मेगा प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में ही वे अपने चुनावी प्लान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से होने जा रही है। इस दौरान देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी। पूर्वांचल के गाजीपुर से इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में बलिया मऊ आजमगढ़ जौनपुर भदोही और होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी में इसे समाप्त किया जाएगा। पहले चरण का समापन 27 अक्टूबर को वाराणसी में होगा। इस दौरान जनपद के सपा कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं तहसीलों और ब्लॉक में पदयात्रा निकालेंगे। इस दौरान सपा सदस्यता अभियान तिरंगा झंडा अभियान नुक्कड़ सभा जुलूस संगोष्ठी पौधरोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की भी जाएगी। पदयात्रा में संबंधित जनपद के विधायक पूर्व विधायक निवर्तमान जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष और नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का मेगा प्लान पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को भी चुनौती देगा। यहां बीते दिनों राजभर ने भी चुनौती दी थी और कहा था कि उनकी वजह से सपा ने पूर्वांचल में झंडा लहराया है। अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को सुबह 11 बजे गाजीपुर की सपा कार्यालय से पदयात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद 27 अगस्त को बलिया 8 सितंबर को मऊ 15 सितंबर को आजमगढ़ में 3 अक्टूबर को जौनपुर 14 अक्टूबर को भदोही और 19 अक्टूबर को वाराणसी में पदयात्रा पहुंचेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।